क्या भारी तबाही आने वाली है? क्या सच में प्रकृति अपने प्रचंड रूप में आकर इस धरती को निगल जाएगी? क्या सचमुच ये विनाश लीला का कोई अंत होने वाला है? सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, लोग हमसे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्या एंजल आपको कोई निर्देश देते हैं, क्योंकि प्रकृति बहुत प्रचंड रूप में है, क्या इसका कोई अंत दिखाई पड़ता है? ध्यान के गहरे अनुभवों के दौरान हम कई बार बहुत सारी फ्यूचर विजन भी देख पाते हैं, तो अपने कुछ अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी चारों तरफ जो ये विनाश लीला चल रही है, जिसकी शुरुआत कोरोना के साथ हुई है, देखा कि जैसे ही 2020 शुरू हुआ, तभी से ये विनाश लीला एक तरीके से शुरू हो गई है। कोरोना ने लगभग 2-2.5 सालों तक सारे संसार को एकदम स्थिर करके रख दिया, और वो विनाश लीला हम सभी ने होते हुए अपनी आँखों से देखी, हम सभी ने अपने बहुत से नज़दीकी लोगों को भी उसमें गंवाया है। और इसके समाप्त होते होते अब चारों तरफ जो भय का माहौल बना हुआ है, आप देख रहे हैं अभी भी चारों तरफ मानो प्रकृति ने न्याय की डोर अपने हाथ में ले ली है और विनाश लीला प्रारंभ कर दी है। धरती कांप उठती है, कहीं पर कंप की वजह से पूरे शहर निगल गई है। हमने अभी मिडिल ईस्ट में देखा, तुर्की में जो भूकंप आया वो सभी ने देखा। दूसरी ओर समुद्र की लहरें व्याकुल हैं मैदानों को निगल जाने के लिए। तो एक तरफ बिपरजॉय जैसे तूफान देखे हैं और दूसरी तरफ अमेजोन के जंगलों की आग भी देखी है। एक तरफ ट्रेन हादसे में न जाने कितने लोग प्रकृति की गोद में सोते हुए देखे हैं। मानो मानव की मानवता जैसे कलयुग की बलि चढ़ गई हो। कहीं चक्रवातों से जलमग्न होती हुई धरती देखी है, इधर यमुना का पानी बढ़ रहा है, और कहीं बादल फटने से पानी में डूबता हुए गाँव देखे हैं, कहीं भूकंप से शमशान बनते हुए शहर देखे हैं, और कहीं युद्ध से तबाही होते हुए नगर देखे हैं। इस प्रकार ये चारों तरफ ऐसी प्रकृति की रचना दिखाई पड़ रही है, मानो एक विराट तबाही चारों तरफ होती दिख रही है। अभी सोचा कि एक के बाद एक ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। 20 में कोरोना महामारी के प्रहार से प्रकृति ने लोगों को जगाने का भरपूर प्रयास किया, जिससे लाखों लोगों की आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया आरंभ हुई। आप सभी ने भी अनुभव किया होगा कि उसी दौरान अनेक लोग या तो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और या बहुत ज़्यादा सुधर गए। हम सभी ने उस समय में आध्यात्मिक जागृति का वो समय देखा है, क्योंकि लोग उस समय मेडिटेशन के सेशन में भर भर के ज्वाइन किया करते थे। जब कुछ और काम नहीं था, घर पे थे, तो अनेक लोगों में आध्यात्मिक जागृति आई है। क्या आपने भी कोरोना टाइम में आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी भी ये समय 2029 तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात प्रकृति अभी शांत नहीं हुई है। किसी ना किसी रूप में प्रकृति सबका संहार करती हुई लगातार दिखाई दे रही है। बहुत लोग जाग चुके हैं और उन्होंने ये जान लिया है कि परमात्मा ही सत्य है, प्रकृति की शक्ति के सामने किसी की कोई ताकत नहीं है। इस बात को सभी ने जान लिया है, लेकिन कुछ लोग सो नहीं रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं। उन्हें जितना भी जगाओ वो जागते नहीं हैं, प्रकृति की अगली मार सहने के लिए तैयार हैं, जो काल को आते हुए देख कर भी अपना नाटक नहीं छोड़ते। इसलिए पृथ्वी आज भी कहीं ना कहीं अपना अगला कदम बढ़ाने को तैयार है। अभी भी लोग ऐसे हैं जो अंधकार की ओर ही जाना चाहते हैं, उन्हें प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उन्हें किसी भी तरह से प्रकाश की ओर खींचने का प्रयास किया जा रहा है। कभी कभी ये नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा लोगों को अंधकार की ओर खींचने का प्रयास करती हैं, उन्हें भ्रमित कर देती हैं। भगवान वगैरह कुछ नहीं होता, प्रकृति की कोई ताकत नहीं है, इंसान आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे लोग पड़े हुए हैं, एक दिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लोगों को निगल जाने वाली है। पर जो लोग जाग चुके हैं, जिन लोगों ने प्रकाश का रास्ता देख लिया है, अर्थात धर्म के रास्ते पर आ गए हैं, उन्हें अब उनका फर्ज बनता है कि बाकी लोगों को भी इस चीज़ से परिचित करवाएं और लोगों को परमार्थ परमात्मा के रास्ते पर लाने का प्रयास करें। ये सबके लिए है। इस विनाश लीला से वही लोग बच पाएंगे जो अभी भी प्रकाश का रास्ता अपना लेंगे, जो अभी भी परमात्मा के रास्ते पर चल देंगे, जो अभी भी अध्यात्म को अपना रास्ता चुन लेंगे। अगर अभी भी नहीं चेते तो फिर विनाश तो हो ही रहा है, एक प्रचंड विनाश दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि परमाणु युद्ध की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इंसान का दिमाग कब फिर जाए, इसकी कोई सीमा नहीं है। यूरोप की और अमेरिका की हालत आप सभी देख पा रहे हैं, कितना प्रचंड विनाश अभी हुआ है। स्वीडन में, फ्रांस में जो ये दंगे हुए हैं, यूक्रेन में जो ये घटनाएं घट रही हैं, अमेरिका के भी अलग अलग पार्ट्स में, यूके में किस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, और लोग विनाश की ओर जा रहे हैं, पूरे पूरे कंट्री तबाही की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इंसानों को जागने की ज़रूरत है। अभी भी अगर आपने मेडिटेशन शुरू नहीं किया है, अपने आत्म कल्याण का प्रयास नहीं किया है, तो कर लीजिए।
खुद भी जागिए और लोगों को भी जागने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि जो जाग जाएगा उसके आत्मा का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब जब प्रकृति का ये तांडव होता है उसी समय में ही नई सृष्टि भी रची जा रही है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं कि आपको कुछ ऐसा भविष्य बताने वाला हूं, लेकिन जो दिख रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है और उसका कुछ पार्ट तो अभी दिखाई देने ही लगा है। तो अभी भी प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा समय अपना परमार्थ की ओर लगाएं, सच की ओर लगाएं। ये जानिए कि ये पृथ्वी आज भी स्थिर इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि सैकड़ों अदृश्य शक्तियां दिन रात जगत कल्याण की प्रार्थना के लिए ध्यान कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। आप भी उन्हीं प्रकाश करने वाले लोगों में शामिल हो जाओ, दिन रात अपने लिए भी एफर्ट डालो और दूसरों के कल्याण हेतु भी प्रार्थना करो कि हे परमात्मा सबका भला कर, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसा हमें हमारे सनातन धर्म ने सिखाया है कि सबका भला मांगे और पूरी प्रकृति के प्रति एक प्रेम का भाव अनुभव करें। प्रकृति को हीलिंग की जरूरत है, इंसानों को हीलिंग की जरूरत है। तो मन से सबके लिए शुभ दुआ करें, खुद भी मेडिटेशन करें अपने आत्मा के कल्याण के लिए और अपना मेडिटेशन की प्रैक्टिस को पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दें और औरों को भी प्रेरणा दें कि वो भी सत के रास्ते पर आएं, धर्म के रास्ते पर आएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर इसी सीरीज पर और भी वीडियो चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं और भी जो भी एंजल्स के मैसेज आप तक लाने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।